तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है कि काम इतना शांति से कीजिए कि काम इतना शांति से कीजिए कि सफलता आप लोग को शोर मचा दे। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए, प्रश्न में का लिखा हुआ है। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम लोग द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विघाती सूत्र का हम लोग प्रयोग अभी सीखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाय नीचे होगा 2 इंटू ए। और एक और फॉर्मूला है बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय नीचे 2 इंटू ए। इसी का नाम है द्विघाती सूत्र। तो आप लोग देख लिए द्विघाती सूत्र, और द्विघात समीकरण हम लोग पहले से परिचित हो चुके थे। अब ध्यान देना है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। आप लोग है ना, इसको हम लोग कैसे हम लोग हल किए थे पिछला वीडियो में, गुणनखंड के रूप में, फिर उसके बाद हम लोग शून्यक के रूप में, है ना। इसको तरह तरह जैसे जैसे आगे हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका नाम चेंज होते जा रहा है, लेकिन आंसर वही चीज आ रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस का हो रहा है, बदलते जा रहा है। अभी हम लोग मूल ज्ञात करना है, लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। अरे ये आप लोग का द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है ना। देखिए एक्स के बगल में क्या है, 2, तो हम लोग लिखेंगे ए इजकल टू 2। फिर ध्यान देंगे, फिर एक्स के बगल में क्या है, माइनस 7, तो बन जाएगा बी बराबर माइनस 7। और सी बराबर क्या है, 3, तो बन जाएगा 3। ध्यान देंगे यहाँ प्लस है तो आया है प्लस में, अरे माइनस 7 है तो माइनस 7 लिखे हैं, अब प्लस 3 है तो 3, है ना। ये छूटना नहीं चाहिए, प्लस माइनस छूटना नहीं चाहिए, है ना। जो लिखा हुआ है वही हम लोग को क्या करना है, लिखना है, है ना। अब ध्यान देंगे डी बराबर, यहाँ देखिए आप लोग का फॉर्मूला लिखा हुआ ना, डी बराबर क्या है बताइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब ध्यान देंगे ये लिखा हुआ आप लोग को नहीं रहेगा, आप लोग को याद करना है ना, आप लोग को समझना है और याद कर लेना है। अभी सिर्फ आप लोग को समझने आप लोग को आसानी होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं बगल में, है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, आप लोग ये नहीं सोचना है कि बगल में लिखा हुआ रहेगा। बी कितना है, माइनस 7, तो लिखेंगे माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 का 4। ए कहाँ है, देखिए तो 2 है, ए बराबर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू सी कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 बराबर नीचे बराबर। अब ध्यान देंगे माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 7 इंटू माइनस 7। अब बताए थे ना कि सेम संख्या जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 7 को 7 से करेंगे कितना जाएगा, 49 प्लस में आएगा, तो 49 माइनस 4 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे, यानी कि 4 × 2 = 8 त्रिक कितना जाएगा, 24। 4 × 2 = 8 त्रिक के 24, अब घटा दीजिए 25 आएगा, कितना आएगा 25। अब बताइए डी क्या आया, 25 यानी प्लस में आया धनात्मक में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बड़ा है 0 से। आप यहां आप लोग को समझना है डी बड़ा है 0 से, ऐसा क्यों लिखे, तो इसका मतलब है डी आया है कितना, 25 आया है, डी कितना है 25, तो 25 को ही ना माने हैं हम लोग डी, इसलिए यानी कि 25 बड़ा है किसे, 0 से,
तो हम लोग कैसे समझेंगे, डी बड़ा है जीरो से, यानी कि 25 बड़ा है जीरो से, इसलिए हम लोग लिखे डी बड़ा है जीरो से। आगे ध्यान देंगे, अतः क्वेश्चन उतार देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर जीरो के दो मूल वास्तविक, वास्तविक मतलब काम है प्लस में है ना, इसलिए लिखते हैं वास्तविक, और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, लिखेंगे भिन्न भिन्न होंगे। इसका मतलब हम लोग को दो मूल आंसर आएगा, दो मूल है ना, और दोनों क्या होगा अलग अलग आंसर आएगा है ना, इसलिए ऐसे लिखते हैं भिन्न भिन्न होंगे। एक मिनट आप लोग डस्टर देखते हैं ना, अब ध्यान देंगे अल्फा का फॉर्मूला अभी लिख दिए थे ना आप लोग को लिए, माइनस बी प्लस रूट डी, भाई नीचे क्या आता है 2 इंटू ए बराबर है तो बराबर, इसका नाम है अल्फा, याद रखना क्या नाम है अल्फा, और माइनस है तो माइनस, अब बी बी देखिए तो क्या है माइनस 7, तो लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 7, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकता है ना, इसलिए ब्रैकेट करें, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, और डी डी देखिए तो कितना है 25, तो लिखेंगे 25 बाय 2 है तो 2 इंटू ए, ये कितना है 2 है ना, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7, अब प्लस है तो प्लस, और रूट 25, तो ध्यान देंगे यहां बता दे रहे हैं आप लोग को रूट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्या होगा 5 इंटू 5, अब जोड़ा लगा क्या कर देंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा 5, इसलिए रूट 25 को क्या लिखना है 5, और नीचे क्या होगा 2 दूना 4, जोड़िए 12, बाय नीचे क्या होगा 4, काटेंगे कितना बार में कटेगा 3, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा 3, यही हो गया अल्फा का आंसर। अब हम लोग क्या चाहिए, बीटा चाहिए, क्या चाहिए बीटा, तो और बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय नीचे होगा 2 इंटू ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे अल्फा भी निकालना पड़ रहा है बीटा भी निकालना पड़ रहा है ना, तो निकालना तो है ही लेकिन फॉर्मूला आप लोग के लिए है ना, फर्क अल्फा और बीटा में क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और बाकी जो है सारा सेम है ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं है, जैसे उसको निकाले थे वैसा सेम निकालना है, फर्क क्या है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये बात को याद रखिएगा, माइनस है तो माइनस, अब बी फिर से देखिए माइनस 7, तो लिखेंगे ब्रैकेट माइनस 7, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकता है ना, इसलिए ब्रैकेट करें, माइनस है तो माइनस, रूट का रूट, और डी डी कितना है 25, तो लिखेंगे 25 बाय 2 इंटू ए, ये कितना है आपका 2, तो लिखेंगे 2, नेक्स्ट बार क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस है तो माइनस, रूट 25 आप लोग देखें तो रूट 25 का क्या होगा 5 आता है ना, तो लिखेंगे 5, और नीचे क्या लिखेंगे 2 दूना 4, अब ध्यान दीजिएगा इसको घटा दीजिए 7 में 5 कितना बचेगा 2, और नीचे कितना है 4, 2 एक 2 और यानी 2 एक 2 और 2 दूना कितना हो गया 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पर समझना है ये अल्फा निकला है क्या निकला बीटा, आप यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0 के दो मूल, क्या लिखा हुआ है दो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यानी देखिए दो मूल निकला ना और भिन्न भिन्न होंगे, तो दोनों आंसर क्या होगा अलग अलग आया है, तो आप लोग यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 2, तो a बराबर क्या लिखना हम लोग को 2,
बी इक्वल टू, देखिए तो एक्स के बगल में क्या है, नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं है मतलब वन छुपा हुआ है, वन का है छुपा हुआ है, और प्लस है तो प्लस लिख दिए, और सी इक्वल टू क्या होगा माइनस फोर। ध्यान देना है प्लस माइनस यहां से मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पिछला क्वेश्चन हम लोग बताया था ना, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बराबर के नीचे बराबर, बी बी कितना है वन, तो वन का होल स्क्वायर माइनस फोर का फोर इंटू ए, ए कितना है टू इंटू सी, सी कितना है माइनस फोर, तो लिखेंगे माइनस फोर। अब ध्यान देना माइनस वन का होल स्क्वायर जो किया है ना, मतलब वन का होल स्क्वायर किया है ना, तो वन का स्क्वायर बोलेंगे या वन का होल स्क्वायर करेंगे, इससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट हम लोग कब घेरते हैं, जब माइनस में रहता है, जब क्या रहता है माइनस में, बात याद रखना ना। तो वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन इंटू वन, बराबर क्या हो जाएगा वन, तो लिख दिए वन, इसको ब्रैकेट में घेरे है ना, माइनस रहता तब घेरते हैं, ऐसे भी घेरे, ऐसे भी मतलब नहीं भी घेरे हैं तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, होगा है ना। अब ध्यान देंगे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, बताया था ना सेम संख्या मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है, फोर को टू से करेंगे और टू को किसे करेंगे फोर से, यानी कि चार दो ना आठ चौके कितना हो जाएगा बत्तीस, और जोड़ दीजिए इसको तैतीस। अब बताइए ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है, प्लस में मतलब धनात्मक आया है, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, डी बड़ा है जीरो से, फिर आप लोग यहां पर समझना है डी बड़ा है जीरो से, यानी कि डी का मान कितना है 33, यानी 33 मतलब 33 बड़ा है किसे जीरो से, है ना, इसलिए क्या लिखे हैं डी बड़ा है जीरो से, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग लेते हैं, अतः क्वेश्चन 2x² प्लस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो के दो मूल वास्तविक और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न मतलब जान रहे हैं ना, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, आगे ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी, भाई नीचे क्या होगा टू इंटू ए, माइनस है तो माइनस, बी बी देखिए तो वन है तो वन, प्लस है तो प्लस रूट का रूट, और डी डी देखिए आप लोग कितना आया है 33, तो लिखेंगे 33 बाय, बाय टू है तो टू इंटू ए, ये कितना है आप लोग का टू टू। फिर ध्यान देंगे माइनस वन प्लस रूट 33 बाय नीचे दो दुना कितना होगा चार। आप लोग देखिए 33 या 33 पिछले बार 25 था, उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लिए थे, अभी रूट 33 है ना यानी 33 है, तो इसको बाहर ना निकाल रहे हैं ना, क्यों ना निकाल रहे हैं देखिए आप लोग, इसको जब रूट 33 है तो इसको तोड़ रहा है ना 3 × 11 में टूट रहा है ना, ये जोड़ा लगेगा नहीं लग रहा है, इसलिए 33 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, याद रखना है, इसलिए यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। तो अल्फा क्या आएगा माइनस वन प्लस रूट 33 बाय फोर, यहीं पर आंसर। नेक्स्ट और बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय नीचे होगा 2 × a, टू इंटू ए। अब ध्यान है अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, इसमें बीच में प्लस है और इसमें क्या है माइनस है, बाकी तो सेम है, आप लोग याद हो गया होगा अल्फा बीटा दोनों का बराबर, माइनस है तो माइनस, बी बी देखिए तो कितना है वन माइनस रूट, और डी डी मतलब कितना है 33,
33 बाय 2 का 2 इंटू ए, ए कितना है 2, तो माइनस 1 माइनस रूट 33 बाय नीचे क्या लिखेंगे 2 × 2 = 4, यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर। अब 33 देखिए, 33 जो है ना ये जोड़ा नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग इसको बाहर नहीं निकालेंगे, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया, तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बच्चों।